हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज यादव सर फिर आप लोगों की सेवा में वोकैबुलरी लेकर के आ गया हूँ। तो देखिए, हर रोज मैं आपको 10-10 वोकैब दे रहा हूँ और याद रखिएगा, ये 10 वोकैब में से सबको यदि आप पढ़ लेते हैं मन से तो केवल मेरा क्लास कर लीजिए, बस उतना ही क्लास कर लीजिए तो उतना ही से आपको दिमाग में सारा बैठ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि सारे वोकैब को मैं किसी न किसी उदाहरण के साथ समझाते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट लेते हैं एडियम्स में। एडियम्स आपका सबसे पहला लेते हैं होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप। तो होप अगेंस्ट होप यहां पर देखना है क्या क्या होता है। ठीक है, यानी कि हर जगह से ऐसा सिचुएशन है कि आप बहुत ज्यादा होपलेस हो गए। देखते होंगे कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी भी आदमी का कोई परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, बहुत ज्यादा सीरियस है, उसको हम ले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई चांस नहीं है, हमारे हाथ का नहीं, ऊपर वाले का देन है। लेकिन उस स्थिति में भी हम जो आशा रखते हैं कि नहीं ठीक हो जाएंगे, तो उस समय के सिचुएशन को कहा जा सकता है कि वो सिचुएशन जो आपका है वो होप अगेंस्ट होप का है। मतलब कि जो कि निराशा है, पूर्णतः निराशा है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, फिर भी आपने कुछ ना कुछ आशा किया है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं होप अगेंस्ट होप। ठीक है, होप अगेंस्ट होप। जैसे इसका एग्जाम में पूछता है कैसे, होप इन होपलेस सिचुएशन, मतलब उम्मीद की किरण। ठीक है, होप इन होपलेस सिचुएशन, यही कहलाता है होप अगेंस्ट होप। ठीक है, चलिए दूसरा चलते हैं, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, हैव गिफ्ट ऑफ द गैप। तो हैव गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है कि एक प्रकार का ये बोलने का कला है। मान लिया जाए कि आपके मुंह से कुछ भी निकले और वह किसी के लिए या आपके लिए पॉजिटिव सेंस दे, ठीक है, और उससे आपका काम बन जाए या किसी का काम बन जाए, किसी का भला हो जाए, अच्छा हो जाए, आप बुरा भी बोल रहे हैं फिर भी उससे आपका अच्छा हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है जीव पर सरस्वती का वास। ठीक है, तो इसको एग्जाम में कैसे आता है, इसका ऑप्शन में इसका आता है टू बी आर्टिकुलेट, टू बी आर्टिकुलेट। ठीक है, तो हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब बोलने की कला इसको बोलते हैं, बोलने की कला, यानी आपके पास बोलने का ऐसा हैबिट है कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेते हो, लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है क्या कि गिफ्ट ऑफ द गैप, आपके ऊपर वो आपके पास बोलने की बहुत अच्छी कला है, टू बी आर्टिकुलेट। ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला, टू बी आर्टिकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट हैव एन आयरन विल, हैव एन आयरन विल। ठीक है, तो हैव एन आयरन विल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर विल मतलब ऐसे फ्यूचर टेंस में तो नो डाउट यूज होता है, विल मतलब इच्छा भी होता है। ठीक है, आयरन मतलब होता है लोहे का, हैव मतलब होता है रहना रखना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जिसका जो इच्छा है बहुत ज्यादा सख्त है, कठोर है, मतलब दृढ़ है, यानी इसको कहा जा सकता है क्या, दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा। ठीक है, इस
इसको बोल सकते हैं टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, इसको दृढ़ इच्छा या दृढ़ होना भी बोल सकते हैं, दृढ़ होना किसी भी बात के लिए अपने आप को दृढ़ करना कि ऐसा होना चाहिए तो होना ही चाहिए, ठीक है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला है टू रूल विथ आयरन फर्स्ट, या फर्स्ट की जगह पर हैंड भी होता है, टू रूल विथ आयरन फर्स्ट या टू रूल विथ आयरन हैंड, ठीक है। तो टू रूल विथ आयरन फर्स्ट मतलब क्या, आयरन फर्स्ट आयरन हैंड, आयरन हैंड मतलब क्या, लोहे का हाथ, उसके बाद रूल मतलब होता है क्या, शासन करना, तो रूल मतलब होता है शासन करना और आयरन हैंड मतलब लोहे के जैसा, मतलब क्या, देखो इसी में थोड़ा सा सेंस छुपा हुआ है इसका, ठीक है। क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज के ऊपर शासन करता है बिल्कुल कठोरता पूर्वक, बिल्कुल कंप्लीटली 100% ऑथोरिटी के साथ किसी चीज पर शासन करना कहलाता है टू रूल विथ आयरन फर्स्ट या टू रूल विथ आयरन हैंड, ठीक है। तो यहां पर इसको कह सकते हैं टू रूल विथ कंप्लीटली, कंप्लीट ऑथोरिटी, टू रूल विथ कंप्लीट ऑथोरिटी कहलाता है टू रूल विथ आयरन फर्स्ट या टू रूल विथ आयरन हैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू रूल विथ आयरन फर्स्ट या टू रूल विथ आयरन हैंड के जैसा ही एक और आता है कभी कभी, जो अगला हम बता रहे हैं वो क्या है कि सुने होंगे आप लोग रूल द रोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, रूल द रोस्ट। हालांकि देखा जाए तो दोनों में एक ही जैसा भाव होता है, लेकिन किसी नॉर्मल ढंग से बोला जाए, मान लिया जाए घर में कोई हेड है, बुजुर्ग है, उनको घर का हम हेड मानते हैं तो वो हमारे लिए रूल द रोस्ट है, मतलब मुखिया, ठीक है। ये होता है क्या, वो भी उसी के जैसा, लेकिन इसमें क्या है कि अब पूरा अपने ऊपर आप जैसे कि व्यापक रूप से लार्जली ग्लोबली ग्लोबली रूप से यदि शासन करने का भाव हो तो वहां यूज होता है रूल विद द आयरन फर्स्ट या रूल विद द आयरन हैंड। लेकिन जो संकीर्ण संकीर्ण रूप से कई छोटे जगहों पर जैसे किसी घर में हमारा कोई मुखिया होता है तो उसके लिए यूज होता है क्या, रूल द रोस्ट, ठीक है। इसका हिंदी होता है क्या, मुखिया होना। जैसे देखते हो इसी से स्पष्ट कर देते हैं रोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्ट, रूस्ट जो होता है क्या, रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स, रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स मतलब क्या, चिड़िया का जो आराम करने का जगह है वो रेस्टिंग प्लेस होता है और उस जगह का मालिक होता है वो चिड़िया ही है ना। यानी कि रूल द रोस्ट मतलब क्या कि घर का मुखिया होना, कंप्लीट रूप से अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर किसी चीज को अपने साथ लेकर चलना, ठीक है। इसको कह सकते हैं क्या, टू बी कंप्लीटली कंट्रोल ऑफ, ठीक है, कंट्रोल ऑफ। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा, रूल विथ आयरन फर्स्ट या आयरन हैंड और रूल द रोस्ट दोनों एक जैसा है, अंतर क्या है कि ग्लोबली रूप पर व्यापक रूप पर किसी चीज पर शासन करना मतलब कोई व्यापक चीज है, जैसे हमारा देश है भारत, भारत के ऊपर क्या कि पीएम मोदी है जो हम हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो वो उनके लिए होगा क्या, द रूल विथ आयरन फर्स्ट द रूल विथ आयरन हैंड। लेकिन किसी छोटे जगहों पर किसी छोटे समुदाय के लिए यूज किया जाए वहां पर यूज होता है क्या, रूल द रोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला,
ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है? देखो कभी कभी एग्जाम में क्या देता है ना कि प्रॉब्लम भी देता है, इससे कैसे देता है वो आगे हम आपको बताएंगे। पहले बताने दीजिए कि ब्लैक एंड व्हाइट होता क्या है, क्या कि व्हाइट मतलब क्या? व्हाइट पेपर, उस पर लिखा हुआ जो इंक है वो किसका है? ब्लैक का है, यानी कह सकते हैं लिखित रूप से, ठीक है। व्हाइट कागज के ऊपर ब्लैक इंक से कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वह लिखित रूप से है, यानी कि हम कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ही होता है क्या? लिखित रूप से, लिखित रूप से, ठीक है। यानी इसको बोल सकते हैं क्या? इन रिटेन। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा था कभी एग्जाम में, मुझे याद है, तो उस क्वेश्चन को भी चलो देते हैं हम। मिरर में था, कैसे देता है कि ही सेज, ही सेज टू मी दैट आई वांट दिस एग्रीमेंट। He says to me that I want this agreement. I want this agreement with black and white. He says to me, वह मुझसे बोला, बोलता है that कि I want, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? This agreement. कि यह जो एग्रीमेंट है विद ब्लैक एंड व्हाइट वो किस रूप से होना चाहिए था? लिखित रूप से होना चाहिए था। तो प्रॉब्लम आपको बताना है कि क्या होगा। देखने में सेंटेंस कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है बाबू, लेकिन ये गलत है। क्या गलत है? यहाँ पर विद नहीं होगा बल्कि होगा इन, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट अपने साथ विद प्रीपोजिशन नहीं रखता है बल्कि इन प्रीपोजिशन रखता है। तो सही रूप होगा He says to me that I want this agreement in black and white. It's okay? चलिए next, अगला देखते हैं। अगला New kid on the block. न्यू किड ऑन द ब्लॉक। तो न्यू किड ऑन द ब्लॉक क्या है ये समझो। ये होता है क्या? शुरुआती दौर में दिखना, शुरुआत होना किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज का शुरुआत होना। इसको बोल सकते हैं क्या? डेब्यूटेंट, ठीक है। मतलब क्या? जैसे हम नॉर्मल सी बात है देखते हैं कि इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं उनके बच्चे यदि शुरू में आते हैं, डेब्यू करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसी से बना है डेब्यू, ठीक है, डेब्यूटेंट। तो डेब्यू करते हैं तो उन सारे फिल्म स्टार्स के बच्चों को बोला जाता है कि वे न्यू किड ऑन द ब्लॉक। इसका मतलब क्या कि जैसे सारा अली खान, सैफ अली खान की बेटी है, वो जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो कह सकते हैं क्या कि सारा अली खान is new kid on the block, ठीक है। सारा अली खान जो है वो अभी अभी फिल्म में एंट्री की है, यानी कि शुरुआती दौर उसके है, ठीक है। तो डिब्यूटेंट से भी समझिए दो प्रकार का वर्ड होता है। सारा अली खान के लिए डिब्यूटेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिब्यूटेंट जो है, डेब्यूटेंट जो होता है वो मेल के लिए यूज होता है, ठीक है, फीमेल के लिए यूज होता है इसका डेब्यूटेंटी, डेब्यूटेंटी, ठीक है। लास्ट में केवल ई जोड़ देंगे तो फीमेल के लिए हो जाएगा। तो यहां पर डेब्यूटेंटी का यूज होता है फीमेल के लिए, यानी सारा अली खान के लिए हम डेब्यूटेंट यूज नहीं करेंगे बल्कि डेब्यूटेंटी। जैसे एग्जांपल भी देखिए हुई चीज, सारा अली खान इज न्यू किड ऑन द ब्लॉक, ठीक है।
और सारा अली खान इज न्यू किड ऑन द ब्लॉक दिए हैं हम, तो यहाँ पर बताना है कि सारा अली खान के लिए यहाँ पर डेब्यूटेंट का यूज करेंगे कि डेब्यूटेंटी का यूज करेंगे, तो यहाँ यूज होगा हमारा डेब्यूटेंटी, चूंकि डेब्यूटेंटी फीमेल के लिए होता है, डेब्यूटेंट मेल के लिए होता है, ठीक है। चलिए, जैसे ऋतिक रोशन राकेश रोशन का बेटा है, तो राकेश तो ऋतिक रोशन इज न्यू किड ऑन द ब्लॉक, तो वहां पर यूज क्या डेब्यूटेंटी होगा कि डेब्यूटेंट होगा, तो वहां यूज होगा डेब्यूटेंट, क्योंकि वहां ऋतिक रोशन जो है वो फीमेल नहीं है बल्कि क्या है मेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं गो बाय द नेम ऑफ, गो बाय द नेम ऑफ, तो गो बाय द नेम ऑफ क्या है, गो बाय द नेम ऑफ, देखो जैसे फिल्म स्टार ऋतिक रोशन को, सॉरी ऋतिक रोशन छोड़े अक्षय कुमार को हम जानते हैं, अक्षय कुमार, और रियली में देखा जाए तो अक्षय कुमार का नाम जो है वो अक्षय कुमार नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में उसका नाम अक्षय रखा है, उसका रियल नेम है राजीव भाटिया, क्या नाम है राजीव भाटिया, ठीक है। उसी प्रकार से दिलीप कुमार जो है, दिलीप कुमार वास्तविक में मुस्लिम है लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार हिंदी नाम रखा जो फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया, ठीक है, उनका नाम कुछ और था। तो कहने का मतलब क्या मेरा है, तो गो बाय द नेम ऑफ मतलब क्या कि जो रियल नाम है उस नाम से लोगों को ना पहचाना जाना बल्कि पुकारू नाम से पहचाना जाना, उसे कहते हैं गो बाय द नेम ऑफ। मतलब क्या, इसको हम कह सकते हैं क्या कि नोन बाय द नेम ऑफ, नोन बाय द नेम ऑफ, जैसे हम कहते हैं क्या कि राजीव भाटिया इज गो बाय द नेम ऑफ अक्षय कुमार, राजीव भाटिया को अक्षय कुमार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा आज वर्ड मीनिंग का क्लास, आज मेरा वोकैब का क्लास हम अपना समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा अपडेटेड वीडियो हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपना क्लास ऑफ करता हूँ, थैंक यू।